लंबे समय तक सुर्खियों में रहे हरियाणा के जाट आंदोलन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर हुई आगजनी मामले में पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसके बाद अब दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि सोमवार को पंचकुला स्थित हरियाणा के विशेष सीबीआई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें सभी आरोपियों की पेशी भी हुई थी। सुनवाई के बाद पेशी पर आया आरोपी राजेश रूखी अब जब कोर्ट रूम से बाहर निकला तो कार में सवार कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया था, और अब दोनों तरफ से मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। विनोद कुमार है जो रोहतक के पास रहने वाला है, उसने थाने में कंप्लेंट दी पवन उड्डा राजेश रुखे वगैरह के भाई उसके साथ मारपीट करी है जी। और इसके एवज में राजेश रुखे जिसके चोट लगी थी उसने अशोक मिलारा और उसके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट दी है, जिस पर दोनों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज हो गई है और उनका मेडिकल एक्सरे वगैरह की अभी रिपोर्टें पेंडिंग है।